हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंटेड सलवार सिलना बताऊंगी, जिसके लिए मेरा ये 2.5 मीटर कपड़ा है। ये रेडीमेड जो ज़्यादा वर्क के सूट आते हैं उस तरीके का सूट है। देखिए, मैंने इसको कुर्ती को अपनी को कंप्लीट कर लिया है सिल के। अब मैं आपको इसकी सलवार सिलना बताऊंगी। अगर आपको मेरी कुर्ती की वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने कुर्ती की वीडियो बहुत सारी अपलोड कर रखी है। अब उसके बाद देखिए, हम इसमें से अपने पार्ट निकालेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ऊपर से, यहाँ से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट के लिए कपड़े को फोल लेयर में रखेंगे। अब देखिए, कपड़े को मैंने फोल लेयर में रख लिया है, 2 फोल्ड और 2 फोल्ड। ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है। तो देखिए, इसमें से मैं पहले 35 इंच कपड़ा निकाल लूंगी पार्ट के लिए, मतलब यहाँ से कपड़े को मैं अलग कर दूंगी इतने को। फिर उसके बाद हम इसमें से 8 इंच चौड़ाई रख के जो हमारा बाकी का कपड़ा बचेगा उसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से कपड़ा अलग कर लेते हैं। अब देखिए, कपड़े को मैंने ये इसमें से अलग कर लिया है। अब देखिए, जो चौड़ाई लूंगी वो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 8 इंच तैयार रहेगा, 1/2 इंच सिलाई के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। और देखिए, लंबाई हम इसकी ले रही हैं 35 इंच, मतलब 35 इंच। आपकी लंबाई ये 40 इंच की सलवार बन के कम्प्लीट होगी, तो इसके पार्ट 35 इंच लेके चलना है हमको। और अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है 40 से, तो आप 36 इंच के ले सकती हैं, 37 इंच के पार्ट ले सकती हैं। अब मैं इस कपड़े को अलग कर दूंगी। जो मेरा ये वाला कपड़ा लगा बचा है, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, और कुछ कपड़ा कम पड़ेगा तो बीच में हम उस ग्रीन वाले कपड़े में से लगा देंगे। अब देखिए, जो खुले की साइड है, ये खुले की साइड है, ये बंद की साइड है। खुले की साइड से हमारा एक तरफ ज्वाइंट है, हम इसको भी अलग कर देंगे। अब देखिए, जो मेरा ये कपड़ा बचा है, इसको मैंने 2 फोल्ड में रख लिया। जैसे मुझे अपनी बेल्ट 22 इंच की तैयार करनी है, तो हमारा जो कपड़ा भी ये तो हमारा सिर्फ पार्ट में से निकला है, तो इसमें से देखिए जो हमारा 2 या 3 इंच कपड़ा और जुड़ेगा, 4 इंच कपड़ा और जुड़ेगा, तो वो मैं अपने ग्रीन वाले कुर्ती के कपड़े में से ज्वाइंट करूंगी। और वो हमको इस तरीके से लगाना है कि देखिए, जैसे ये तो कुर्ती की साइड हो जाएंगी, हमको बिल्कुल वो कपड़ा बीचा बीच में लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूट का पल्ला आ जाएगा आगे की तरफ को, तो हम बीच में कपड़ा लगा सकते हैं। और देखिए, जो हमारी बेल्ट की लंबाई होगी वो हम 9 इंच रखेंगे, 7 इंच हमारी तैयार होगी, 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है जो हम ऐसे डोरी लगाने के लिए फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी कली कट करेंगे। इसके लिए हम इतना ही साइज का 5 इंच चौड़ा ग्रीन कलर का कपड़ा अलग से कट कर लेंगे। अब जो मेरा बाकी का कपड़ा बचा है, इसमें से मैं अपनी कली निकालूंगी। सबसे पहले मैं इसको 2 फोल्ड में रखूंगी। अब देखिए, मेरा जो बाकी का कपड़ा बचा है उसको मैंने 2 फोल्ड में रख दिया है। ये बंद की साइड है और ये खुले की साइड है। अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। देखिए, जैसे हमें 16 इंच का आसन तैयार रखना है, तो हम यहाँ से लेंगे 8 इंच, 1/2 इंच और, तो 8.5 इंच सिलाई के लिए लेंगे, 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा। और यहां से लेंगे हम 1 इंच, 1 इंच। अब यहां से हम नापेंगे कि हमारी कली की लंबाई पूरी बैठ रही है, तो यहां से हमारी कली की लंबाई पूरी बैठ रही है 35 इंच। ये छोटी भी हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 2-4 इंच ऊंची भी चल जाए, हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाती है इतनी। अब देखिए, दूसरे वाले कोने से, बंदे वाले कोने से लगाएंगे 8.5 इंच पे निशान, और फिर से 1 इंच पे। और अब इन निशानों को हम, अब देखिए, एक साइड का आसन इस साइड है और दूसरी साइड का उस साइड, तो देखिए इस तरीके से निशान लगता है आसन का। अब ये हमारी 4 कली इसमें से कट जाएंगी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था, इसको हम ऐसे 1 इंच तक ले जाके और फिर सीजर को इस तरीके से मोड़ देंगे ऐसे, और उस दूसरे वाले आसन पे लेके जाएंगे। और यहां से भी देखिए, जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था, इसको मैं इस तरीके से घुमा दूंगी। अब जो मेरी बंद की साइड है, यहां से मैं कपड़े को अलग खोल दूंगी, मतलब कट कर दूंगी। अब देखिए, अब मैं आपको इसे सिलना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये पार्ट लेंगे, और पार्ट के साथ कली, एक कली इधर को ज्वाइंट होगी और एक कली इधर को ज्वाइंट होगी। मैं आपको इसे सिलना बताऊंगी।
तो देखिए हम पार्ट को इस तरीके से सीधा रखेंगे और जो हमारी कली है इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। ये जो सीधी साइड है यही सिलनी है, आसन की साइड छोड़ देनी है। और एक पार्ट में दो कली ज्वाइंट होती हैं। देखिए मैंने एक पार्ट में एक कली ज्वाइंट कर ली है, मैं दूसरी कली को ज्वाइंट करूंगी। तो देखिए ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड और उल्टी साइड दोनों मिला के। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे उल्टा सीधा ना हो जाए, कली की साइड कली की तरफ ज्वाइंट करनी है और आसन की साइड छोड़ देनी है। जो दूसरे वाली पार्ट और कली है उनको भी सेम ऐसे ही तैयार करना है ज्वाइंट करके। अगर थोड़ा बहुत कपड़ा देखिए छोटा है बड़ा हो जाए तो इसको इस तरीके से बराबर कर लें। अब उसके बाद मैंने इस दूसरी कली भी अपनी ज्वाइंट कर ली है। और देखिए बेल्ट को मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि देखिए जो इस ये साइड वाले हिस्से इस ऐसे आ जाएंगे इस साइड से और इस साइड से, और फिर हमारा जो कपड़ा था ये मैंने बीच में लिया है ताकि ये कुर्ती के पल्ले से ढक जाए, क्योंकि अलग से बेल्ट लगाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये कपड़ा मेरे पास कम था, अगर मैं इसी में से बेल्ट निकालती तो फिर सलवार का घेरा कम हो जाता, इस वजह से मैंने। अब देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे करके हमने सेंटर में कट लगाया, ये हो गया सेंटर का कट। फिर इसको इस सेंटर के कट से मिला के इस तरीके से, फिर देखिए मैंने ये 14 14 इंच पे और दो कट लगाए हैं, यहाँ से 14 इंच और यहाँ से 14 इंच। तो ये मेरे चार कट हो गए। आप इस तरीके से भी कट लगा सकती हैं, देखिए ऐसे यहाँ से नाप के ये कट मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसका आसन ज्वाइंट कर लूँगी। तो आसन ज्वाइंट करने के लिए देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे और फिर जो हमारा दूसरा वाला आसन है उसको इसके ऊपर रखेंगे। उल्टे सीधे का ध्यान रखें। देखिए इस तरीके से आसन को आसन से मिलाएंगे ऐसे, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए आसन को आसन के साथ रख के अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों आसनों को मिला के उसके बाद इसको हम इस तरीके से खोल के एक सिलाई और लगा लेंगे, और ऐसे हम दूसरे वाले आसन को भी बंद कर लेंगे जो दूसरी साइड का है। अब देखिए ये मैंने दोनों आसन अपने ज्वाइंट कर लिए हैं। तो एक आसन लेंगे और देखिए जो हमारा ये नेफा है बेल्ट का इसको हम इससे मिलाएंगे। ये भी उल्टी साइड होनी चाहिए और ये भी उल्टी साइड होनी चाहिए, ये दोनों सीधी साइड होनी चाहिए। अब इस बेल्ट को हम इस तरीके से नीचे रख लेंगे ऐसे, ये दोनों निशान मिला के आपस में आसन से और उस नेके वाला निशान। अब इसमें हम प्लेटें डालेंगे। देखिए बेल्ट को हम इस तरीके से खोलेंगे और फिर इस तरीके से हम इसमें 1.5 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे। ऐसे और ये प्लेट मुझे वहां तक उस कट तक डालनी है जो हमारा कट था। अच्छे से कपड़े को खोल के ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा ये प्लेट का कपड़ा है ये हमारा 1/2 इंच के बराबर दिखना चाहिए। और ये मुझे उसी कट तक लेके आना है जो मैंने 14 इंच पे लगाया था।
अब ये मेरी एक कली की इसमें घुन भर गई है। अब देखिए दूसरा पार्ट वाला हिस्सा आ चुका है, तो इस पार्ट वाले हिस्से की घुन भी हम ऐसे ही भरेंगे। ये देखिए ये इस कट तक मैंने पूरी प्लेटें भर ली हैं जो मैंने कट लगाया था। अब इसी कपड़े में से हमें जो बैक पार्ट में एक प्लेट आएगी, इसी कपड़े में से हमें 1 इंच के बराबर कपड़ा कटाना है। तो देखिए जैसे मैंने इस प्लेट का मुंह मैंने इस साइड किया था, लेकिन जो मेरी दूसरी साइड की आएंगी उनका मुझे अपनी तरफ को करना है, मतलब इनका रुख बदल देना है। तो देखिए ये वाला कपड़ा मैं इस तरीके से, ये बैक पार्ट है हमारा, तो इस बैक पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और देखिए ये दूसरा पीस आ चुका है, इसको बेल्ट को अच्छे से खोल लेंगे। और अब हमने इस साइड डाली थी, अब हम इस साइड डालेंगे प्लेटें, मतलब इस साइड। देखिए ये हमारी बॉक्स प्लेट शेप में बन गई है। अब यहाँ से भी देखिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इतना कपड़ा हमारा कितना खाली है, मतलब इसमें कोई प्लेट नहीं है, तो आप इंच टेप से नाप के इतना कपड़ा खाली छोड़ के फिर से प्लेट डालने स्टार्ट कर सकती हैं। अब देखिए मेरा 10 इंच कपड़ा इधर से खाली है, मतलब उसमें कोई प्लेट नहीं है, तो इतना ही कपड़ा मैं इस साइड से कर लूंगी। अब देखिए इनका मुंह मुझे अपनी तरफ को करना है, ऐसे इतना ही कपड़ा लेना है जितना हमने इसमें लिया था, इस तरीके से। ये मुझे उस नेपे वाली साइड तक लेके आनी है जहाँ से हम डोरी डालते हैं। देखिए मैंने ये अपनी पूरी प्लेटें भर ली हैं, अब मैं बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से खोल के। और देखिए ये जो कपड़ा है हमारा, ये ऊपर की साइड होना चाहिए, इससे बेल्ट मजबूत हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसकी मोहरी बनाएंगे। अब देखिए मोहरी बनाऊंगी तो मोहरी में इसमें चौड़ी बना रही हूँ, 0 मोहरी। तो ये मैंने 1.5 इंच 3.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है, और जो लंबाई ली है वो मैंने अपने इसके हिसाब से ली है, मोहरी के हिसाब से जितनी मोहरी बैठ रही है मेरी। तो देखिए अब मैंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है, मैं इसमें से थोड़ी सी पाइपिंग दूंगी नीचे की साइड, मोहरी की साइड। तो हम इसको ऐसे रखेंगे सीधी साइड को, इस कपड़े को और इस बुकरम को इस तरीके से अच्छे से बराबर मिलाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया मैं इसमें से पाइपिंग निकालूंगी, तो पाइपिंग निकालने के लिए हम इस तरीके से इस कपड़े को देखिए इतना इतना सिल देंगे, मतलब इसमें से पतली सी पाइपिंग निकालेंगे। इस तरीके से थोड़ी मोटी निकलती है इसमें, क्योंकि ये मोहरी है, जिससे सूट की और सलवार की मैचिंग अच्छे से मिली रहे, इस वजह से हम इसमें निकाल रहे हैं। अब उसके बाद देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे। और जो दूसरी मोहरी है वो भी सेम ऐसे बनानी है।
बाद देखिए इसको हम ऐसे सीधा रख लेंगे इस तरीके से, और इसमें आप जो भी डिजाइन बनाना चाहती हैं वो आप इसमें बना सकती हैं। तो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसमें, पहले हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। और फिर हल्का सा हम इसे चिक चैक जैसे शेप देंगे। अब उसके बाद फिर से हम एक सीधी लाइन लगाएंगे। देखिए जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं इसमें ऐसे ही पूरे में जितनी भी चौड़ी मेरी बुकरम है ऐसे ही सिलाई लगा के इनको कंप्लीट कर लूंगी। दूसरी मोहरी है उसको भी मैं ऐसे ही तैयार करूंगी। मैंने मोहरी बनाकर कंप्लीट कर ली है, ये इसमें से पाइपिंग निकाल दी है। अब उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए फिटिंग करने के लिए हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, और जितनी भी चौड़ी आप रखना चाहती हैं, ये जैसे जीरो मोहरी है तो ये थोड़ी मतलब 5 इंच या 6 इंच ही रखी जाती हैं, 4 तक भी रख सकती हैं। तो मैं इसे इतना रख के 5 इंच के बराबर, और देखिए इस पर तिरछी सिलाई लगाऊंगी, मतलब सिलाई को सीधा नहीं लगाना है। ऐसे करके और इस सिलाई को हम आसानी से लगाएंगे। देखिए हमारे आसन आ चुके हैं। अब आसन को और आसन एक दूसरे से आसन देखिए दोनों आसन मिलने चाहिए आपस में इस तरीके से, वरना आपकी मोहरी छोटी बड़ी हो जाएगी अगर आसन आपस में नहीं मिलेंगे। आसन की साइड से डबल सिलाई लगा के और दूसरी मोहरी को भी हम ऐसे ही सिल लेंगे उसी से नाप के। ये देखिए मेरी सलवार बन के तैयार हो चुकी है। फ्रंट में से इस तरीके से आई है और बैक में से इस तरीके से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।